एक शातिर हसीना जिसके इरादे हैं खूंखार, 22 साल की टैटू गर्ल कैसे बन गई लेडी डॉन, गुजरात गोरी मेम और उसका गुंडा राज, कभी हाथ में तमंचा तो कभी तलवार, जुर्म की दुनिया में भूरी नाम से उसका डंका बसता है, लेकिन गोरी मेम का गुंडा राज सोशल मीडिया तक कायम है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। सावधान हिंदुस्तान में आज बात होगी गुजरात की गोरी मेम की, जिसकी गुंडई के चर्चे देश भर में हैं। सोशल मीडिया पर उसके हजारों फॉलोअर्स हैं। उसे हथियारों के साथ महंगी गाड़ियों का शौक है। अपराध के साथ साथ रील्स बनाना उसको बेहद पसंद है। मारपीट, झगड़ा, डराना, धमकाना और फिर जेल की हवा खाना। गुजरात की इस स्टाइलिश डॉन की कहानी बेहद रोमांचित करने वाली है। वो सूरत की ऐसी लेडी डॉन है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। सूरत में खौफ का दूसरा नाम भूरी है, यानी अस्मिता गोहिल। अंडरवर्ल्ड डॉन के किस्से कहानियां तो आपने कई बार सुने होंगे और फिल्मों में भी डॉन के एक्शन देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको अपराध जगत में बड़ा नाम बन चुकी अस्मिता की क्राइम कुंडली दिखाते हैं। उम्र महज 22 साल, हाथ पर AK-47 का टैटू और गुजरात में खौफ ऐसा कि कोई पुलिस में शिकायत तक करने नहीं जाता। हथियार से खेलने वाली भूरी उर्फ अस्मिता अपनी आंखों से ऐसा वार करती है कि किसी का बच पाना नामुमकिन है। 22 साल की छोटी सी उम्र में यह अस्मिता गोहिल सलाखों के पीछे जाकर जेल की हवा खा चुकी है। गुजरात के सूरत में कारोबारी आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े दूसरे बदमाश भी उसके आगे पानी मांगते हैं। देखने में दिलकश इस लेडी डॉन के ऊपर मर्डर के साथ साथ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर कैसे अस्मिता इतनी ताकतवर बन गई? कौन है ये भूरी? कैसे उसका नाम भूरी पड़ा? क्यों उसे गुजरात का लेडी डॉन कहा जाता है? अपराध जगत में वो कैसे इतना बड़ा नाम बन गई? कुछ साल पहले तक अस्मिता बाग गोहिल गुजरात के ऊना के गागड़ा के रहने वाली सीधी साधी लड़की थी। अपने परिवार के साथ ही वो गांव में रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई सूरत के डॉन संजय भूरा से। सूरत में संजय भूरा का आतंक है। पैसा, लग्जरी गाड़ियां और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए अब अस्मिता ने शॉर्टकट का रास्ता चुना। वो गैंगस्टर संजय भूरा के संपर्क में आ गई। अस्मिता भूरा के साथ रहने लगी और उसके साथ उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया। अब वो वसूली, मारपीट, लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल हो चुकी थी। जिस उम्र में उसके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वो तलवार और हथियार लहराने लगी। गैंगस्टर संजय भूरा की वजह से सूरत में अस्मिता को पहचान मिली। वक्त बीतता गया और अपराध जगत में भूरा उसकी गर्लफ्रेंड की जोड़ी क्राइम करती चली गई। कोई अब भूरा की गर्लफ्रेंड यानी अस्मिता से पंगा नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे पूरे गुजरात में लोग अस्मिता को भूरा की गर्लफ्रेंड के रूप में जानने लगे और यहीं से अस्मिता का नाम पड़ा भूरी। समय के साथ साथ जुर्म का दायरा बढ़ता गया। भूरी का कहर इस कदर सूरत में देखने को मिला कि लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगे थे। भूरी गैंग के नाम से लेडी डॉन अस्मिता का अपना गैंग चलता है, जिसमें सूरत के कई गुंडे शामिल। हथियार चलाने का शौक ऐसा है कि वो गुस्से में अपने साथियों को भी नहीं बख्शती। भूरी अपने गैंग के सदस्य प्रकाश को चाकू मार चुकी है। प्रकाश की गिनती लेडी डॉन के अच्छे दोस्तों में होती थी, लेकिन किसी बात पर अस्मिता गोहिल इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने सजा के तौर पर उसे चाकू मार दिया। लेडी डॉन के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। वो जेल जा चुकी है, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर जेल से बाहर आ जाती है और जुर्म के काले कारोबार में जुट जाती है। सूरत में हीरा कारोबारियों के साथ साथ
कपड़ा कारोबारी और दूसरे कई बिजनेसमैन हैं जो भूरी के गुंडा राज से वाकिफ हैं। गैंगस्टर संजय भूरा से संपर्क में आने के बाद लेडी डॉन ने अपना परिवार छोड़ दिया। अस्मिता की चार बहनें हैं, लेकिन जब से उसने जुर्म का रास्ता चुना, परिवार वालों ने उससे नाता तोड़ दिया। अपराध जगत में भूरी के नाम से मशहूर अस्मिता की गुंडागर्दी के किस्से से अब परिवार वाले भी दूर रहना चाहते थे। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो और फोटोज हैं, जिसमें लेडी डॉन बाइक पर देखी जा सकती है। कभी वो बाइकिंग गैंग के साथ करती है तो कभी अकेले। गाड़ी के अंदर हो या बाहर, भूरी की रील्स सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोरती हैं। हथियार लहराने के साथ ही AK-47 का टैटू बनवाने के बाद लेडी डॉन ने कई रील्स बनवाई और उन्हें अपलोड किया। बेहद स्टाइलिश तरीके से रहने वाली ये लेडी डॉन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर इसकी नई नई तस्वीरें और वीडियो नजर आते हैं। भूरी की एक तस्वीर पढ़ते ही सैकड़ों फ्रेंड्स और हजारों फॉलोअर्स उन्हें लाइक और शेयर करने से पीछे नहीं रहते। कुछ समय पहले गुजरात की इस लेडी डॉन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो तलवार लेकर एक दुकानदार को धमकाते हुए नजर आई थी। भूरी का गैंग भी उसके साथ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो फिर से बेल पर बाहर आ गई। तो ये थी गुजरात, गोरीमेम और लेडी डॉन के गुंडा राज की पूरी कहानी। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।